चलिए, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? स्टार्ट करें। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो कल की क्लास में अपन, ठीक है, ओके रजत। इन यस्टरडे क्लास वी आर स्टार्टिंग द यूनिट सेकंड, दैट इज सिंगल फेस एसी सर्किट। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफ बता दिया था कि सिंगल फेस एसी सर्किट में अपन कौन कौन से टॉपिक्स अपन को देखने हैं, क्या क्या चीज उसमें अपन को स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले अगर सिंगल फेस एसी सर्किट की बात हो रही है, तो इनिशियली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन इज जनरेशन ऑफ साइनसॉइडल एसी वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे अपन कि कैसे अपन लोग एक किसी भी एक जनरेशन अपन किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, तो अपन ने कल डेफिनेशन तो लिखी थी कि अगर कोई भी चीज अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की होती है, जो जो क्या करे, अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करे और अपना डायरेक्शन भी चेंज करे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों चीजें अगर चेंज हो रही हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कभी भी अपन जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज की बात करेंगे, तो इसमें दो चीजें कहलाएंगी आपकी। ठीक है, तो वो दो चीजें कौन सी होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें दो चीजें रहेंगी, इसका मतलब ये है कि इसमें लिखिए इन द इनिशियल स्टेप्स एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी जनरेटेड। मतलब अपन ये देख रहे हैं कि हमने जनरेशन कैसे देखा है। एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी जनरेटेड आइदर बाय रोटेटिंग अ कॉइल, आइदर बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद इन विद इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब इसमें दो चीज रहेंगी आपकी जब कभी भी आप जनरेशन देखेंगे, तो इसमें नंबर वन इज द कॉइल एंड द सेकेंड वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें अगर कॉइल की बात हो रही है, इट मींस दैट कि वी आर टेकिंग अ रोटेटिंग कॉइल और उसको अपन एक मैग्नेट के अक्रॉस जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इट मींस दैट कि अपन एक एनएस पोल का मैग्नेट उसमें यूज करेंगे और इन बिटवीन द एनएस पोल मैग्नेट वी कैन रोटेट अवर कॉइल। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हो गया। या फिर और बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी। ठीक है, दो चीजें रहेंगी इसमें, या तो आप कॉइल को रोटेट करेंगे करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करेंगे किसी भी एक स्टेशनरी कॉइल के अक्रॉस, और दोनों ही टाइम जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा इसमें, द ईएमएफ जनरेटेड
ईएमएफ जनरेटेड इन आइदर केस, इन दोनों में से कोई सा भी, इन आइदर केस विल बी ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, तो इसमें जो आपका यहां पे ये आएगा, ईएमएफ जो जनरेट होगा वो दोनों ही केस में आपका क्या रहेगा, इट विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ द साइनसॉइड। जैसे कि मैंने सबसे पहला आपको बताया कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ अपन रोटेट कर अपना जनरेट कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं अपन, बाय रोटेटिंग अ कॉइल अक्रॉस अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब होगा दिस इज लाइक दैट। इसे मान लीजिए ये मैंने एक कॉइल का यूज किया हुआ है लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने कॉइल का यूज किया और इस कॉइल के अक्रॉस मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इन बिटवीन द कॉइल, मतलब इस कॉइल के साथ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो रोटेटिंग कॉइल है इट इज बिटवीन विद इन द स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस दैट ये एनएस पोल का मैग्नेट मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एनएस पोल का मैग्नेट अपना यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है दैट इज फ्रॉम एन टू एस लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वी कैन यूज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाले में और यहां अपना इस कॉयल का रोटेशन हो रहा है इस तरीके से। एक तो आपका ये हो गया, मान लीजिए मैं इसको ए से इंडिकेट कर रहा हूं तो ये ए हो गया आपका इस तरीके से। इसी तरीके से सेकेंड जो है आपका, और इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इज दिस इज यूज इन द जनरेशन ऑफ स्मॉल एसी वोल्टेज। दैट इज जो अपन स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज जनरेट करते हैं, इट इज फॉर द स्मॉल एसी जनरेशन वी कैन यूज दिस कंसेप्ट। इन स्मॉल एसी जनरेटर अपन इस तरीके से यूज करते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है आपका वो है बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं इसमें लाइक दिस, यहाँ मैंने सबसे पहले एक एनएस पोल का मैग्नेट यूज किया हुआ है इस तरीके से लाइक दिस। ये एनएस पोल का मैग्नेट अपन ने यूज किया हुआ है, ये आपका रोटेटिंग होगा और इसके ये जो है इट इज बिटवीन द स्टेशनरी कॉइल लाइक। ठीक है, एक स्टेशनरी कॉइल अपन ने यहाँ पे यूज करी हुई है ना, और यहाँ पे इन दिस जो रोटेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, कॉइल ये रोटर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन हो रहा है, कॉइल का नहीं हो रहा। कॉइल तो यहाँ पे स्टेशनरी हो गई लाइक दिस, मतलब मैंने मान लिया इसको, इसको मैंने ए पॉइंट मान लिया, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया। ठीक है ना, ये मेरी ए और बी, ये तो मेरी कॉइल हो गई और इसके अंदर जो रोटेशन हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड जो एनएस पोल का मैग्नेट है मैं उसका रोटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तो हो गया रोटर, और आउटर पोर्शन जो हो गया जैसे अपन जनरेटर में बोलते भी हैं दिस इज अवर स्टेटर। क्लियर, और इसका जो यूज होता है जैसे मान लो मैंने इसको विल यूज द बी, तो यहाँ पे बी का जो अपन यूज कर रहे हैं वी कैन यूज दिस इन द लार्ज साइज एसी जनरेटर। ठीक है, तो समझ आया, अगर आपको जनरेशन करना है कभी भी
किसी भी साइनसोइडल वोल्टेज का या ईएमएफ जनरेट करना है तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, या तो अपन क्या कर रहे हैं, वी कैन जनरेट द ईएमएफ बाय आइदर रोटेटिंग अ कॉइल विद इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि ए मैंने आपको फिगर में बताया गया है, ठीक है। या फिर दूसरा क्या होगा, लाइक दिस, जैसे यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वी कैन बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द स्टेशनरी कॉइल। यहाँ पे ए भी आपका स्टेशनरी कॉइल है बी में, और यहाँ पे अपन किसको कर, ठीक है, कोई डाउट किसी को इस कंसेप्ट में समझ आया, कैसे हाउ वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, किस तरीके से अपन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। आगे बढ़े हैं, डायग्राम बना लिया सब लोगों ने, दोनों जो अपन ने यहाँ पे कंसेप्ट समझे अभी, यस ठीक है। तो ये तो हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, इन दिस जो आपका अपन ने कंसेप्ट देखा है बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, तो अपन अब क्या करेंगे, ध्यान ध्यान दीजिएगा, अपन एक यहाँ पे रोटेटिंग कॉइल लेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक कॉइल ले, ठीक है, लाइक दिस। अब इस कॉइल का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता था, मैंने मान लो यहाँ पे डायरेक्शन से आपको इसको दिखा दिया है ना। अब ये जो डायरेक्शन है कॉइल का, क्योंकि अपन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि इस कॉइल के डायरेक्शन में अपन अपने मैग्नेटिक फील्ड को इसमें, मतलब मैग्नेट के अक्रॉस इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या रख रहे हैं, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपके इस कॉइल के अक्रॉस इन द डायरेक्शन सम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ट्रेवल लाइक दिस, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि एक सिंपल फाई मैक्स कंपोनेंट से मैं इस मैग मतलब एक सिंपल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैंने क्या ले लिया, वी कैन यूज द फाई मैक्स, जो मैग्नेटिक लाइंस जो फ्लक्स यहाँ से, जैसे पहला अपन ने लिया हुआ है यहाँ पे, बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद इन स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका कॉइल हो गया, इस कॉइल को मैंने एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस रखा हुआ है, और यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने इसको कॉइल के स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस रखा, वैसे ही विद द हेल्प ऑफ एनएस पोल यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास हुए, और जैसे ही अपन को ये दिखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास हो रहे हैं, वैसे अपन ने देखा कि जो कंबाइंड यहाँ पे अपन को मिल रहा है, वी कैन यूज द फाई मैक्स, जो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ट्रेवल हो रहे हैं उसको अपन ने ले लिया, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरा मैंने मान लीजिए यहाँ पे जो आपका ट्रेवल हो रहा है, यहाँ मैंने इसको मिड पॉइंट लिया है इसका, लाइक दिस, ये मिड पॉइंट लिया है मैंने यहाँ पे, और इस मिड पॉइंट पे मैंने एक अपनी यहाँ पे एक जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे लाइक दिस, और मान लीजिए इसको मैं मान रहा हूँ इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्स डैश, ठीक है। और इसी से जो आपका ये है, ये जो जिस डायरेक्शन में अपन ने इस कॉइल को यूज किया हुआ है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैं अपने ओरिजिन पॉइंट को दिखा रहा हूँ लाइक दिस, ये मेरा एक ओरिजिन पॉइंट है, इस तरीके से ये मैंने ओरिजिन पॉइंट को दिखाया। अब यहाँ पे अपन क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अपना ये क्या है, ये कॉइल अपनी रोटेटिंग है, मतलब इस कॉइल का रोटेशन क्या होगा, अपना कौन सा रोटेशन होगा इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, कोई बताएगा। अगर अपन यहाँ पे कॉइल यूज करी है तो इस कॉइल का रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ बताओ क्या कह रहे हो, 78 रोल नंबर,
सर क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज होगा। और कोई? और कोई बताएं कि यहाँ पे जो अपन कॉइल यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्शन जो होगा वो अपने यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? बेटा कल भी ये कंसेप्ट देखा था अपन लोगों ने, मैंने आपको बताया देखिए, जब भी कभी अपन किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी अपन किसी भी कॉइल की बात करते हैं या डिवाइस की बात करते हैं यहाँ पे एसी सर्किट में, तो जो डायरेक्शन अपना होता है हमेशा डायरेक्शन आपका काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में उसका रोटेशन होता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अपन ने एक डेफिनेट, जब अपन ने साइनसॉइडल वोल्टेज का अपन ने कल डेरिवेशन किया था, तो जो अपन ने वहां उसमें रोटेशन किया था, या किसी को ध्यान हो तो अपन ने काउंटर क्लॉकवाइज किया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया था उसका रोटेशन, और उसके रोटेशन मतलब 0 से अपन 90 गए, फिर 90 से 270, फिर 270 से 180, फिर 180 से 360, ऐसा किया था अपन ने कल, याद आया? मतलब जो क्वाड्रेंट ऑपरेशन अपना हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है ना। कल जो कंसेप्ट अपने पढ़ा था वो याद है कि नहीं? जो जनरेशन अपन ने देखा था एक साइनसोइडल वोल्टेज का, वो वेवफॉर्म अपने बनाई थी, तो वेवफॉर्म में किस किस पॉइंट में, 0, फिर π/2, फिर 3π/2, फिर 2π, ऐसे अपन ने डायरेक्शन दिखाए थे उसके, यस सर, भूल गए? तो उसका डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था? एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज था। एंटी क्लॉकवाइज था ना। तो उसी तरीके से जिस तरीके से अपन ने वो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाया था, इसका मतलब अपन को एक सर्कल का पूरा एक सर्कल वो लेना है, मतलब 0 से स्टार्ट करके फिर से 360 डिग्री में अपन को जाना है, पूरा एक सर्कल लेना है। इसीलिए अपन इसका भी डायरेक्शन अपन किस में देते हैं, वी विल यूज द डायरेक्शन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस। और उसकी जो स्पीड होगी यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो वो कितनी वेलोसिटी से वो घूमेगा, इट इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपन उसको रोटेट करेंगे, ठीक है? अब क्योंकि मेरा ये जो डायग्राम है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें जो कॉइल अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस कॉइल में जो यहाँ पे पोजिशन है, जैसे मान लीजिए इस जगह मैंने इसको रखा हुआ है, इसका मतलब इट मीन्स दैट कि फ्रॉम द रेफरेंस लाइक दिस, ओमेगा टी, मतलब इस ओमेगा टी पोजीशन में जो मैं इसको कॉइल को रोटेट कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इस पोजीशन में मेरी इसको फिक्स किया हुआ है मैंने इस तरीके से, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो मैं इसका रोटेशन कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोजिशन में मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पोजिशन में जो मेरा एंगल है यहाँ पे, वो मेरा क्या है यहाँ पे, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज ओमेगा टी वैल्यू मेरी यहाँ केवल, ठीक है? इतना क्लियर आया? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। एक अपन ने रोटेटिंग कॉइल किया, इस रोटेटिंग कॉइल के अक्रॉस अपन ने क्या किया, एक एनएस पोल से अपन ने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को इसमें प्रोड्यूस किया, फिर अपन ने क्या किया, इसकी ओरिजिन लाइन ली, उसमें अपन ने देखा कि ये जो इसका रोटेशन हो रहा है कॉइल का वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हो रहा है। तो अपन ने क्या किया, जिस पोजीशन में अभी ये कॉइल अपनी रखी हुई है, यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो एंगल क्या होगा, दैट एंगल इज द थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंगल, ठीक है? इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट है क्या? अभी मैं इसको डिक्टेट करके और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको अच्छे से, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए कि अपन किस तरीके से, अपन जो आपकी ईएमएफ इक्वेशन आती है आपकी, चाहे वो ईएमएफ इक्वेशन हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे करंट हो, तो वो अपन किस तरीके से निकालते हैं। किसी को डाउट बेटा, इसमें डाउट सर हो तो वो पूछो। एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमेगा सर, वो समझ में नहीं आया। देखो जैसे मान लीजिए लाइक दिस है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, ये अपने 12th में पढ़ा है,
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जीरो यहां पे कौन सा आ जाएगा आपका एंगल, पाई बाय टू, यहां पे पाई, फिर 3π/2 और फिर अगेन यहाँ पे 2π, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताइए कि जब अपन डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जा रहे हैं, जीरो पे जा रहे हैं, फिर पाई बाय टू पे, फिर पाई पे, फिर 3π/2 पे, फिर 2π पे, तो इसका डायरेक्शन मेरे को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है या फिर क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये बताएं मुझे। एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, इसका मतलब मान लो मैंने यहाँ पे एक इसी जगह मैंने यहाँ पे इसमें एक कॉइल अपन ने यूज करी है लाइक दिस। अब इस कॉइल का जो रोटेशन मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपका इसी तरीके से होगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया आपको ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी एंगल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो पे भी है, फिर पाई बाय टू पे आएगा, फिर पाई पे, फिर 3π/2 पे, फिर 2π पे, मतलब इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही तो अपन दिखाएंगे। अब समझ आया एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट किस तरीके से अपन दिखा रहे हैं, मतलब एंगल के यस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपन ने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है वो। यस सर चलिए तो इसमें लिखिए एक लाइन, नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल, नाउ कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कैपिटल एन टर्न्स, नाउ कंसीडर अ रोटेटिंग कॉइल, ये अपन ने रोटेटिंग कॉइल यूज करी हुई है यहाँ पे, ऑफ एन टर्न्स रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज बोले या एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से मैं उसको रोटेट कर रहा हूं, तो वो अपन इससे वेलोसिटी अपन दिखा रहे हैं, विथ ओमे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या किया अपन ने यहाँ पे, वी कैन कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद अ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म में, ठीक है। एक चीज तो अपनी यहाँ पे ये हो गई, ठीक है। अब क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे अपन ने, वी विल सी डेट जो मैक्सिमम फ्लक्स अपन यहाँ पे मान के चल रहे हैं वो कितना मान के चल रहे हैं, अपन 5-1 5-2 5-3 ना लेते हुए अपन ने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, जो मैक्सिमम फ्लक्स अपना ट्रेवल हो रहा है वो अपन ने क्या किया है यहाँ पे, 5 max मैक्सिमम फ्लक्स मान के चल रहे हैं, जो किसके साथ लिंक हो रहा है, अपने कॉयल के साथ लिंक हो रहा है, मतलब यहाँ पे अपन ने कॉयल दिखाई हुई है और इस कॉयल में जो मैक्सिमम फ्लक्स अपना लिंक हो रहा है वो अपना 5 max फ्लक्स लिंक हो रहा है, ठीक है ना। और जो जिस एंगल में अपन इसको दिखा रहे हैं कॉइल को, वो कितने सेकंड पे हो रहा है, मान लीजिए वो टी सेकंड पे अगर रोटेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या लिखा हुआ है, जो एंगल का जो रोटेशन है इस पोजीशन पे वो अपन ने, अपन को टाइम तो पता नहीं है अभी, इसलिए यहाँ पे अपन इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ओमेगा टी एंगल के साथ अपन इसको रोटेशन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और आएगी, अब यहाँ पे जो फ्लक्स का कंपोनेंट है, मतलब 5 max जो अपन दिखा रहे हैं, इस 5 max कंपोनेंट को अपन लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
और किसी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। जैसे यहाँ पे जो 5 मैक्स ऑफ फ्लक्स है, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक ओरिजिन पॉइंट ओ है, ठीक है, मान लो इस ओरिजिन पॉइंट को मैं ओ मान रहा हूं, तो इस ओरिजिन पॉइंट में जो मेरा फ्लक्स मतलब 5 मैक्स को मेरे जो एंगल के साथ मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस कौन से एंगल के साथ, मतलब ओमेगा टी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कोई मुझे बताएगा किस तरीके से अपन उसको डिवाइड करेंगे? मेरे पास जो फ्लक्स है मैक्सिमम फ्लक्स वो 5 मैक्स अवेलेबल है, ठीक है, और एंगल जो गिवन है वो ओमेगा टी एंगल है। अब मुझे ये बताएं कि जो ओमेगा टी के साथ मैं फ्लक्स को इसको डेविएट कर रहा हूँ, 5 मैक्स को डिवाइड कर रहा हूं, तो वो किस तरीके से डिवाइड होगा? कौन सी थ्योरम अपन यहां पे यूज करते हैं बताएं, जब भी कभी अपन को एंगल को डिवाइड करना हो? आराम से सोच के बताओ मेरे को, कंसेप्ट बेसिक फिजिक्स का कंसेप्ट है ये, और मैथमेटिक्स भी आता है इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाता है। सर आर कप और रेडियस। आर अपॉन रेडियस तो सर्कल की बात होगी, अपन सर्कल की बात नहीं कर रहे, मतलब 5 मैक्स को यहाँ पे मेरे को एंगल के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है। कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में? ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो वो किस तरीके से डिवाइड होगा? ऐसे कौन से दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको? बी साइन ओमेगा टी। तो मोहम्मद थोड़ा जोर से बोले बेटा। सर साइन थीटा सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बताओ क्या यस बोल रहे हो। सर साइन कॉस हाँ साइन कॉस, वेरी गुड। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा आपको यहाँ पे 5 मैक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और दूसरा मिलेगा यहाँ पे आपको 5 मैक्स साइन ओमेगा टी। मतलब ये जो ओमेगा टी एंगल अपन यहाँ पे ले रहे हैं, इस एंगल को अपन जो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये ओरिजिन पॉइंट लिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा एंगल मेरा प्रेजेंट रहेगा, और उसके अक्रॉस डायरेक्शन है उसके अक्रॉस कौन सा एंगल मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ये बताएं। जैसे मान ली इस ओरिजिन से मैंने इसको दिखाया, तो ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया मेरा, ठीक है, और एक यहाँ पे मेरा यहाँ पे इस तरीके से ये वाला डायरेक्शन हो गया लाइक दिस। तो परपेंडिकुलर में कौन सा एंगल आएगा यहाँ पे आपका, कौन सा कंपोनेंट आएगा, और जो इसके अक्रॉस डायरेक्शन है इसमें कौन सा आएगा बताएं। सर सर परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर साइन 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 और हर उसमें सर एक क्रॉस में कॉस। ध्यान से देखो डायग्राम को फिर बताओ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, जो आपने यहाँ पे कॉइल अपन यूज कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर में कौन सा आएगा कंपोनेंट, जो अपन मिला अपन डायरेक्शन में इस जगह और यहाँ पे क्रॉस की जगह, इन दोनों में कौन कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट आएगा? सर जिस तरफ थीटा एंगल है उस तरफ कॉस थीटा एंगल और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा एंगल दूसरी साइड। वेरी गुड। मतलब यहाँ पे जो आपका एंगल आएगा वो कैंसिल हो जाएगा आपका 5 मैक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। मान लीजिए ये यहाँ पे जो अपन ने जो रोटेटिंग यहाँ पे अपन रोटेटिंग कॉइल यूज कर रहे हैं, ये रोटेटिंग कॉइल आपकी है, और इसके परपेंडिकुलर में जो अपना डायरेक्शन आएगा, जो अपन थीटा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 5 मैक्स कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे ये जो एंगल प्रेजेंट रहेगा वो हो जाएगा आपका 5 मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझ आया?
अपने फ्लक्स एंगल को किस तरीके से अपन ने अकॉर्डिंग अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल किस तरीके से इसको इंडिकेट किया है अपन ने। समझ आया आप लोगों को? मतलब जब कभी भी प्लेन ऑफ द कॉइल के परपेंडिकुलर जो आएगा आपका, उस परपेंडिकुलर में आपका कॉस कंपोनेंट रहेगा, और उसके अलोंग जो आपका प्लेन ऑफ द कॉइल के अलोंग जो डायरेक्शन वाला कंपोनेंट अपन ले रहे हैं वो अपन यहाँ जो रहेगा वो आपका साइन ओमेगा टी रहेगा, और अलोंग परपेंडिकुलर जो रहेगा आपका कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स वो हमेशा आपका कौन सा रहेगा? साइन ओमेगा। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैक्सिमम फ्लक्स फाइव एक्स, जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स फाइव एक्स है, इट लिंक्स सॉरी मैक्सिमम फ्लक्स फाइव एक्स इट लिंक्स विद द कॉइल। ठीक है, सबसे पहले ये चीज होगी जो फाइव एक्स फ्लक्स है वो आपका कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, देन आफ्टर दैट द एंगल थीटा थ्रू विच द कॉइल हैज रोटेटेड, फिर से लिखता हूं इसको एक बार, द एंगल थीटा थ्रू विच द कॉइल हैज रोटेटेड हैज रोटेटेड इन टी सेकेंड्स इज इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया। और लास्ट में अब जो अपन ने यहाँ पे जो देखा है वो अपन क्या कंसेप्ट देखे हैं यहाँ पे, इन दिस पोजिशन जो पोजीशन अभी अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इन दिस पोजीशन द कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स, द कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज इक्वल टू कौन सा दिखाया यहाँ पे अपन ने, फाइव एक्स कॉस यहाँ पे आ रही है, इस पोजीशन पे जो कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग अलोंग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा आपका फ्लक्स का, ये हो जाएगा आपका फाइव एक्स कॉस ओमेगा। समझ आया यहां तक? किसी कोई डाउट हो यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इस जो अपने कंसर्न सुन जाए तो मुझे बताओ, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। बताए बेटा कोई डाउट किसी को? बताएं समझ आया जो अपन ने कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स लिया हुआ है यहाँ पे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल किया है, उस एंगल को अपन ने फाइव एक्स कॉस ओमेगा टू कैसे लिया?
ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई। अब जैसे ही अपने पास यहाँ पे कंपोनेंट आ गया, वैसे ही उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? अब क्योंकि यहाँ पे अपने अपन वी कैन यूज द रोटेटिंग कॉइल, इसका मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ टर्न्स उस कॉइल में प्रेजेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या देखेंगे, हेंस फ्लक्स लिंकेज, मतलब कितना टोटल फ्लक्स उस कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल, फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल एट दिस इंस्टेंट, इट इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ टर्न्स अपन ने कॉइल में यूज करे हैं मल्टीप्लाई बाय कौन सा कंपोनेंट अपन यहां पे लिखा हुआ है। तो इट इज इक्वल टू एन फाइव एक्स कॉस ओमेगा टी लाइक दिस। क्लियर? तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल अपन जो लिया हुआ है वो अपन ने क्या ले लिया, जब फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल जो अपने पास आया है वो कितना आया है, कितना नंबर ऑफ टर्न्स अपने कॉइल में प्रोड्यूस है वो, और कौन सा कंपोनेंट अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ सिंस वी नो दैट कि जब भी अपन को ईएमएफ इंड्यूस करना है किसी भी कॉइल में, तो वो क्या होता है, द ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद माइनस साइन। ठीक है, मतलब जब भी कभी, मतलब सिंपल वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है ना, ये अपन जानते हैं। जब भी कभी अपन को ईएमएफ इंड्यूस करना है तो वहां पे माइनस साइन के साथ अपन डिफरेंशिएट करते हैं किसको, फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज जो अपन ले रहे हैं वो कौन सा है, फ्लक्स की वैल्यू टोटल आपका नंबर ऑफ टर्न्स वो प्रेजेंट हो जाएगा, इन एडिशन टू डेट एन के साथ ही जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी आपकी फाइव एस कॉस ओमेगा। एंड सिंस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद माइनस साइन। Therefore, EMF induced at any instant, अपन ये सब जो आपका EMF मतलब induced EMF यहाँ पे induced हो रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। EMF induced E is equal to minus d by dt और flux linkage जो है यहाँ पे वो क्या है आपका n फाइव एक्स कॉस ओमेगा टी, मतलब जो परपेंडिकुलर वाला टर्म था उस कॉस ओमेगा टी के टर्म को अपन ने लिया, उसको नंबर ऑफ टर्न्स का ऐसा यूज किया। तो जो अपन जानते हैं जी, जब भी कभी ईएमएफ इंड्यूस करते हैं अपन किसी भी कॉइल में तो डेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद माइनस साइन। ठीक है ना, हेंस फाइव एक्स और एन अपन ने बाहर ले लिया, डी बाई डी टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आई बताएं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ई आफ्टर डिफरेंशिएशन? हाँ, सर एन फाइव मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी फाइव एक्स एन इंटू एन एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा साइन ओमेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ई की जो वैल्यू आई अपनी यहाँ पे वो आई आपकी फाइव एक्स एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी फाइव एक्स की वैल्यू है और एन की वैल्यू है और ओमेगा की वैल्यू है, इन तीनों ही वैल्यू को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ विच वन, सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग 5x एन ओमेगा इज इक्वल टू ई मैक्स, ठीक है ना। तो देयर फोर जो आपका इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, तो किसी भी इंस्टेंट में जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू अपन निकालना चाह रहे हैं। देयर फोर द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा, ये आपका इसमें डेरिवेशन आया लाइक दिस। ठीक है, समझ आया। तो जो अपन कल बात कर रहे थे ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, या आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, ये सारे ही टर्म्स जो आपके ईएमएफ की आप साइनसोइडल कंपोनेंट आता है, वो इस तरीके से अपन जब एक जनरेट करते हैं एसी वोल्टेज को, और उसमें जब रोटेटिंग कॉइल अपन ने लिया हुआ है और उसमें अपन ने परपेंडिकुलर कंपोनेंट में उसको डिवाइड किया है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन आपकी जो वैल्यू आई है वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा। इस डेरिवेशन में किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझसे ही पूछ लें। किसी को डाउट इस इक्वेशन में? और हमेशा जब भी कभी जो वैल्यू आपकी आएगी, दिस वैल्यू इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे अपन जो वैल्यू निकाल रहे हैं वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट से मतलब ये है कि ओमेगा टी पे आ रहा है ना आपकी वैल्यू, तो ओमेगा टी चाहे अपन 0 रखें, चाहे ओमेगा टी की वैल्यू अपन पाई बाय 2 रखें या 3 पाई बाय 2, 2 पाई, तो उसमें जिस जिस पॉइंट में अपनी ओमेगा टी की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ई की वैल्यू यहाँ पे फिक्स होगी। इसलिए इसको अपन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ से इंड्यूस कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है ना। ये आपका ईएमएफ जो यहाँ पे ई की वैल्यू आई है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी टर्म, वो आपका ई इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी आ रहा है। ईमैक्स मतलब जो मैक्सिमम पॉइंट जो आपका है यहाँ पे, जो आपको पाई बाय टू पे पॉइंट में मिल रहा है, वो आपका ईमैक्स यहाँ पे मिलता है। कल भी देखा था अपन ने यहाँ पे। ठीक है, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। फॉर अ कंप्लीट साइकिल कंपोनेंट और नेगेटिव कंपोनेंट इसका आ रहा है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़े आप। इसमें डाउट किसी को? कंपोनेंट और ये समझ आया आपको कैसे अपन ने इसमें ईएमएफ इंड्यूस किया? डेरिवेशन नोट डाउन कर लिया सबने? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो अपन ने जनरेशन ऑफ एसी वोल्टेज किया। अब इसके बाद इसमें है आपका जो अपन ने कल भी देखा था कि टर्म्स रिलेटेड टू साइनसोइडल वेवफॉर्म। ठीक है, मतलब जब भी कभी अपन कोई भी साइनसोइडल वेवफॉर्म देखते हैं तो उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो टर्म आ रहा है वो एक तरीके का आपका वेव फॉर्म ही है। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करते हैं अपन। जब भी कभी अपन किसी भी
वोल्टेज की वैल्यू को या करंट की वैल्यू को प्लॉट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जब अपन उसको प्लॉट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तब अपन को अलग अलग टाइप के शेप्स मिलते हैं किसके कर्व के। जैसे कि मान लीजिए इस वेव फॉर्म में अभी जो मैंने आपको बताया वो मेरा, मान लीजिए यहाँ पे जो ये मैंने साइनसॉइडल बताया, ठीक है। अब वेव फॉर्म से इंडिकेट ये है कि इस वेव फॉर्म में मैं अपना ट्राइंगुलर भी बता सकता हूँ आपको लाइक दिस, ये भी आपका एक तरीके का साइनसॉइडल ट्राइंगल वेव फॉर्म है, ठीक है ना। और या फिर मैं इसको इस तरीके से ही बता सकता हूँ स्क्वायर के फॉर्म में लाइक दिस। तो यहाँ पे भी आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस की वैल्यू आ रही है, मतलब अलग अलग वेव फॉर्म्स को मैं इंडिकेट करता हूँ। बस अपन ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अपना जो अपन ने यहाँ पे कर्व बनाया है उस कर्व का शेप क्या है, और जो वैल्यू यहाँ बनाई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कौन सी वैल्यू, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो, तो उसको अपन अपन किससे इंडिकेट कर देते हैं, अपन एक वेव फॉर्म से इंडिकेट। जैसे कि मान लीजिए सिंपल आपको फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ है या आपने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा है, तो उसमें क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंपल आपको क्या मिलता है लाइक दिस, उसमें आपको नेगेटिव नहीं मिलती ना, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है, सिर्फ उसमें आपका नेगेटिव वाला जो ये वाला पोर्शन है ये आपका उसमें से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग वेवफॉर्म्स का मतलब ये है कि जो भी आप उसमें शेप दिखा रहे हैं अपने कर्व का और जो भी इसमें वैल्यू बना रहे हैं उसको अपन एक तरीके से वेवफॉर्म से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वन जो है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेल इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब जैसे अपन ने दिखाया है कि जब भी कभी अपन को ईएमएफ इंड्यूस चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू से मतलब ये होता है कि जब भी कभी अपन को पर्टिकुलर इंस्टेंट में कोई भी वैल्यू चाहिए जो अपन उसमें ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहां पे जो अलग अलग वैल्यूज है जो अपन को मिलेंगी अलग अलग इंस्टेंट में उसको अपन इंस्टेंटेनियस वैल्यू से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी ई की वैल्यू आपको बताई थी, ई अपनी आई थी ई एम साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग ओमेगा टी के इंस्टेंट पे जो आपको टोटल जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको आप इंडिकेट करेंगे अपने स्मॉल ई से, ठीक है। सिमिलरली जैसे अपन ने ई से इंडिकेट किया हुआ है वैसे अपन स्मॉल बी से भी इंडिकेट कर सकते हैं इसको, दैट इज बी इज इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी, और इसको करंट से भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे करंट की वैल्यू क्या आ रही है, करंट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी भी ले सकते हैं, या फिर कहीं कहीं इसको बुक में इसको थीटा से भी इंडिकेट किया हुआ है, जिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मतलब ई इज इक्वल टू ई एम साइन थीटा या ई बी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा या आई इज इक्वल टू आई एम साइन थीटा, तो इससे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, चाहे वो आपका ईएमएफ हो चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, कहाँ पे एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब अपन बात करते हैं तो उसको अपन इंडिकेट करते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और हमेशा जो इसको अपन डेजिग्नेटेड करते हैं वी कैन डेजिग्नेटेड दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू बाय स्मॉल इटालिक लेटर, मतलब ई की जो वैल्यू यहाँ पे जो अपन ने ई बी और आई ये यहाँ पे अपन इसमें ड्रॉ कर रहे हैं या लिख रहे हैं इस इक्वेशन को, दैट इज लाइक दिस दिस ई दिस बी दिस आई, दीज आर द स्मॉल इटालिक लेटर, इससे अपन इसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या हुआ आपका। नेक्स्ट जो इसमें आपकी आती है दैट इज पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को और क्या बोला जाता है, पीक वैल्यू को और क्या बोलते हैं अपन बताओ। जो भी आपकी एक साइनसोइडल वेवफॉर्म बन रही है उस साइनसोइडल वेवफॉर्म में पीक वैल्यू को और क्या बोला जाता है बताएं। एम्पलीट्यूड हाँ एम्पलीट्यूड, और सर
और क्या बोलेंगे उसको, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, याद आया? मतलब यहाँ पे जो अपन इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन इक्वेशंस में जो ई एम वी एम और आई एम है, दीज आर द पीक वैल्यूज। मतलब जब भी कभी अपन को कोई मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, बाय वोल्टेज और करंट की, तो वो अपन को कब मिलेगी, जब आपकी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो उस केस में जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाएगी, तो वहां पे जो वी एम और आई एम जो मिलेगा, दैट आर द पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है? तो इसमें है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट ऑफ द साइनसोइडल वेवफॉर्म। इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट ऑफ द साइनसोइडल वेवफॉर्म, ठीक है, हुज वैल्यू इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बोल लें, या फिर वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज 90 डिग्री से इंडिकेट करें, या पाई बाई टू से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से अपन, जब अपन कोई भी वोल्टेज और करंट की वैल्यू चाहिए, तो उसको अपन इससे किससे इंडिकेट करते हैं, वी कैन इंडिकेट इट विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो वी एम एंड आई एम जो आपको मिलती है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, दीज आर द पीक वैल्यूज, दीज आर द पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर? तो पीक वैल्यू हो गया। इसी तरीके से आपका एक कंसेप्ट होता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है? टाइम पीरियड मतलब किस कितने कितना टाइम रिक्वायर्ड हो रहा है एक वेवफॉर्म को, साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। उस तरीके से अपन अपन देखते हैं, जैसे आपको टाइम पीरियड मिल जाता है, वैसे ही अपन एक टर्म पढ़ते हैं इसमें, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी को अपन कैसे इंडिकेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ वेवफॉर्म, क्योंकि साइनसोइडल वेवफॉर्म है वो तो कंटिन्यू चलती रहेगी, तो कितनी अपनी वो उसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब कितनी बार उसकी रिपीटेशन आ रही है उसके साइकिल में, उसको अपन इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। एंड द फ्रीक्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय द टर्म एफ इक्वल टू 1/T, मतलब टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल से इसको अपन इंडिकेट करते हैं, एंड द यूनिट इज हर्ट्स, ठीक है? समझ आया? टाइम पीरियड भी वही है आपका, अगर मैं टाइम पीरियड आपसे बोलना चाहूं, तो टाइम पीरियड अपन इंडिकेट करते हैं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव फॉर्म, जो भी अपन वेव फॉर्म बना रहे हैं, रिक्वायर्ड बाय द वेव फॉर्म टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है? और उसको प्रेजेंट करते हैं उस टाइम पीरियड को, कैपिटल टी से। ठीक
सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल. क्लियर? तो कल अपन कल की क्लास में इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, फेज के बारे में और फेज डिफरेंस के बारे में. ठीक, इसमें कोई डाउट आज की क्लास में जो अभी तक अपन ने देखा? कोई डाउट है बेटा? नो सर, थैंक चलो, ओके, थैंक यू. यू सर.